हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का किया वॉकआउट। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी हिंसा पीड़ितों के केस दर्ज करने को कहा। हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार का फिर से पोस्टमार्टम कराने को कहा। जादवपुर के डीएम पुलिस प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ाया गया। चुनाव के बाद हुई हिंसा की अगली सुनवाई अब कोर्ट में 13 जुलाई को होगी। टीएमसी के सांसदों ने लिया प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद सॉलिसिटर जनरल के पद से तुषार मेहता को हटाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के भविष्य को लेकर सस्पेंस बढ़ा, बीजेपी ले सकती है बड़ा फैसला। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं तीरथ सिंह रावत, उपचुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस। एआईएमआईएम ने रिलीज किया असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर का वीडियो। ओवैसी बोले, योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे, बीजेपी सरकार फिर न बनने देने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुटकी, पार्टी की महालाचारी बताया। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज और सुल्तानपुर में प्रशिक्षण शिविर को किया संबोधित, कहा चुनाव में संगठन की राय होती है सबसे अहम, बढ़ती महंगाई के सवाल पर बनाई रणनीति। बिजली कटौती को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने, सिद्धू ने कहा राज्य में बिजली कटौती या ऑफिस का समय बदलने की जरूरत नहीं है। भीषण बिजली संकट के बाद अमरिंदर सिंह ने दफ्तरों के समय में बदलाव किया है, सिद्धू ने कई सुझाव दिए। बिजली खरीद पर पुराना कानून रद्द करने के लिए नया कानून बनाने को कहा। लुधियाना में सरकारी दफ्तरों में एसी किया गया बंद, सीएम अमरिंदर सिंह की अपील के बाद दफ्तरों में केवल पंखे चलाए जा रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट का अनोखा विरोध, अकाली दल और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रोपड़ में रोड पर हाथ से बने पंखे चलाए। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोहाली में बिजली कटौती पर प्रदर्शन किया, अमरिंदर सरकार हाय हाय के नारे लगे। पंजाब में बिजली कटौती पर बोले सुखबीर बादल, किसानों को धान की खेती के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सतारा में डिप्टी सीएम अजीत पवार के रिश्तेदार की चीनी मिल जब्त। सतारा के अलावा कोरेगांव और चीमन गांव में जमीन, बिल्डिंग और मशीनरी भी जब्त, कीमत करीब 65 करोड़ 75 लाख रुपए। ईडी की कार्रवाई पर बोले अजीत पवार, सीआईडी और एसीबी भी जांच कर चुकी है, शुगर मिल में नहीं मिली कोई अनियमितता। एनसीपी ने पवार परिवार को बदनाम करने की साजिश बताया, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा पवार परिवार ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। शिवसेना ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, संजय राउत ने कहा आर्मी भी लगा दें लेकिन नहीं गिरेगी महाराष्ट्र की सरकार। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा विरोधी दलों को परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी को खत का जवाब दिया, कहा एक्सपर्ट की राय और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर 2 दिन के विधानसभा सत्र का हुआ फैसला। उद्धव ने कहा अभी विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तारीख बताना मुश्किल है, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि डिप्टी स्पीकर का हो चुका है चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को ईडी आज भेज सकती है समन, अगले हफ्ते बयान दर्ज करवाने के लिए बुला सकती है ईडी। ईडी के भेजे 2 समन पर अनिल देशमुख का बयान, कहा मैंने ईडी से जरूरी कागजों की लिस्ट मांगी है, कागजों को मिलाकर जवाब दूंगा। महबूबा मुफ्ती की आवास पर गुपकार अलायंस की बैठक, पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद आगे की रणनीति पर बनेगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, लश्कर के 4 आतंकवादी मारे गए, एनकाउंटर अब भी जारी। आजिन राजपुरा इलाके में एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, पुलवामा में इंटरनेट सेवा की गई ठप। शहीद हवलदार काशी राव को चिनारपुर में ने किया सलाम, पुलवामा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार काशी राव। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले पर बड़ी खबर, जम्मू में हमले के समय इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी दिखा था ड्रोन। भारतीय उच्चायोग ने ड्रोन दिखने पर सरकार को अपना बड़ा रुख दिखाया, पाकिस्तान के सामने विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद भागा। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच भारतीय सीमा में घुसा था पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने दागे 10 से 15 राउंड फायर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के पीछे लश्कर का हाथ है, लश्कर पहले भी ऐसी वारदातों को दे चुका है अंजाम। दिलबाग सिंह ने कहा जम्मू में हमले की रात आईईडी की हुई थी बरामदगी, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी आईईडी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले की जांच जारी, सेना के अधिकारी भी पहुंचे एयरबेस। देश के 777 रक्षा ठिकानों पर तैनात होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर सिस्टम तैनात किया गया। वैक्सीन पर भारी सियासत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुटकी, कहा जुलाई आ गया है वैक्सीन नहीं आई। राहुल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब, मैंने कल ही जुलाई में वैक्सीन उपलब्धि के बारे में जानकारी दी थी, क्या पढ़ते और समझते नहीं है राहुल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया, कहा जुलाई में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, निजी अस्पतालों को अलग से वैक्सीन मिलेगी। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा राहुल को नफरत का मोतियाबिंद हुआ है। गौरव भाटिया ने कहा अभी तक लग चुकी है 34 करोड़ वैक्सीन, वैक्सीन पर भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम हो गया है।
हर्षवर्धन को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जवाब दिया। कहा, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ये बताएं राज्य सरकारों को कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी। कोरोना के घटते मामले देखकर मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए, 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमाघर। सिनेमाघर मालिकों ने ली राहत की सांस। मुख्यमंत्री ने जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का भी आदेश दिया। कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू करने के निर्देश, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए की चर्चा। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक केवल 3 घंटे लगेगा टीका। कल बंद रहे थे मुंबई के टीकाकरण केंद्र। मुंबई के नेस्को सेंटर पर वैक्सीन के इंतजाम में सुबह 6 बजे से लाइन में लगे लोग, 3 घंटे बाद वैक्सीन खत्म होने की जानकारी मिली। नागपुर में चौथे दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर बंद, वैक्सीन नहीं मिलने के कारण 28 जून से शहर के 126 केंद्रों पर रुका है टीकाकरण। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर भगदड़ जैसे हालात, 250 लोगों को लगना था टीका लेकिन सेंटर पर पहुंचे 1000 से ज्यादा लोग। देश में एक दिन में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस आए, 24 घंटे में 853 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,195 नए केस, 24 घंटे में 21 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 93 नए मामले, 24 घंटे में 11 लोगों ने दम तोड़ा। गाजियाबाद के कौशाम्बी के मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार, मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए स्टेशन के बाहर घंटों लोग खड़े रहे। कोरोना संकट के कारण उत्तराखंड सरकार ने सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द की, चार धाम यात्रा भी हो चुकी है रद्द। कांवड़ यात्रा रद्द होने पर बोले उत्तराखंड के DGP, जिन बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वहां पुलिस तैनात होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 6 राज्यों में टीमें भेजी, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में भेजी गई टीमें। हरिद्वार कुंभ में फर्जी कोविड जांच, मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच, IPC की धारा 467 के तहत FIR में एक और आरोप जोड़ा गया। कोलकाता वैक्सीन स्कैम में अरविंद वैद्य की गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी देवांजन के सुरक्षाकर्मी के तौर पर अरविंद वैद्य करता था काम। गुजरात सरकार के आदेश के बाद भी राजकोट में सिनेमा हॉल बंद, हॉल मालिकों ने कहा कोई नई फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, सिनेमा हॉल्स खोलने का कोई मतलब नहीं है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत, 6 घंटे चले ऑपरेशन के 2 दिन बाद मरीज ने दम तोड़ा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट से डेल्टा और दूसरे वेरिएंट पर बनती है मजबूत एंटीबॉडीज, कंपनी का ऐलान। INLD अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से हुए रिहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों INLD वर्कर्स ने चौटाला का स्वागत किया, मिठाइयां बांटी। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग में नया मोड़, रायबरेली पुलिस ने कहा तबरेज ने खुद ही पर चलवाई गोली। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने साजिश रची, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर पुलिस के मिडनाइट रेड, परिवार ने बिन वारंट सर्च करने और अभद्रता का आरोप लगाया। दरभंगा ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को लेकर NIA की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची, कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। दोनों आरोपियों को लाने के समय पटना एयरपोर्ट पर थी भारी सुरक्षा, एयरपोर्ट पर कमांडोज तैनात थे। लोनी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मीटिंग के दौरान महिला नेता ने पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के नए DGP मुकुल गोयल ने संभाला कार्यभार, बोले राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शरद पवार के बयान का स्वागत, पवार ने कहा था कृषि कानूनों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, कुछ हिस्सों का संशोधन हो। MP के सीहोर में पूर्व PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने टेस्टिंग से पहले ही बिना परमिशन के ब्रिज का उद्घाटन किया, पुलिस ने FIR दर्ज की। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में आग, काफी दूर दूर तक नजर आ रही है आग की लपटें और धुआं, फॉरेस्ट विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED ने केस दर्ज किया, अंसारी की करोड़ों की संपत्ति की ED करेगी जांच। फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, मुंबई के बाद चेन्नई में भी पेट्रोल 100 के पार, दिल्ली में 99 रुपए के पार पहुंचा। नए IT नियमों के तहत कू और गूगल ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट, फेसबुक की भी जल्द रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद। डोमिनिका के PM ने भगोड़े मेहुल चौकसी को अगवा करने में सरकार का हाथ होने के आरोपों को खारिज किया, पूरी तरह बकवास करा दिया। सेना में स्वदेश में पूरी तरह विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम शामिल, DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो की मदद से किया है तैयार। आर्मी चीफ ने कहा इस सिस्टम के शामिल होने से हमारी काबिलियत और बढ़ेगी, पश्चिमी फ्रंट पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ेगी। बेंगलुरु में वित्त मंत्री सीतारमन ने बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप क्षेत्र के नेताओं से की बात, उप मुख्यमंत्री CN अश्वथनारायण भी मौजूद रहे। देवास में मिले 5 लोगों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 लोग गिरफ्तार, 47 दिनों बाद खेत में JCP से खुदाई करके बरामद किए गए थे ये नरकंकाल। मुंबई के बंगालीपुरा में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन, 2 की गिरफ्तारी। किशनगंज में मेडिकल शॉप ओनर के खिलाफ लोगों ने की शिकायत, दवा की एक्सपायरी डेट में बदलाव करने का आरोप लगाया, किशनगंज सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में एक बाइक में आग लगी, बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, मोटरसाइकिल जलकर खाक हुई। गुरुग्राम में शराब की दुकान के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करके तलाश शुरू की। MP में एक शख्स ने अपने गांव को कहा मिनी पाकिस्तान, शख्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान ने जीता दिल, बुजुर्ग को पीठ पर बैठाकर पहाड़ी चढ़कर टीका केंद्र तक ले गया जवान।
अफगानिस्तान से करीब 20 साल बाद अमेरिकी सेना हुई रवाना, बगराम एयरफील्ड को अफगानिस्तान को सौंपा। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के वित्त प्रमुख पर टैक्स चोरी का आरोप, 2005 से अब तक टैक्स में धोखाधड़ी का इल्जाम। फ्लोरिडा की बिल्डिंग में मरने वालों के परिजनों का अमेरिकी राष्ट्रपति ने बांटा दर्द, कहा उम्मीद न छोड़े परिजन, एक हफ्ते बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। पराटा धावक दूती चंद ने 100 और 200 मीटर रेस में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, खेल मंत्री रिजिजू ने बधाई दी। तैराक माना पटेल ने रचा इतिहास, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की तरफ से पहली महिला तैराक बनी। यूरो फुटबॉल में आज से क्वार्टर फाइनल की शंख शुरू, पहले मैच में इटली की बेल्जियम से टक्कर। विंबलडन सेकंड राउंड में जीत हासिल करके रॉजर फेडरर ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 46 साल में विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। विंबलडन में महिला युगल मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंची सानिया मिर्जा, 2 सेट्स में दर्ज की आसान जीत। इंग्लैंड ने पहले वनडे में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, तेज गेंदबाज सैम करन ने वनडे करियर में पहली बार 5 विकेट लिए। एथलीट्स की एक ग्रुप ने सैन फ्रांसिस्को से हवाई कार रिकॉर्ड टाइम में चलाई नाव, ग्रेट पैसिफिक रेस के रोविंग कंपटीशन में बनाया रिकॉर्ड। और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यामी गौतम को भेजा समन, अगले हफ्ते बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।